हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों को यहाँ पे अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन पैनल में अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से लिखा रहता है एक्शन अकाउंट एक्शन रिक्वायर्ड, तो ये प्रॉब्लम अगर आपको अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन पैनल पे आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो गाइज, ये जो प्रॉब्लम होता है वो आपके फ़ोन पे इस तरीके से आता है, अगर आपने यहाँ पे अपने फ़ोन से कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे लॉग आउट कर दिया है, या तो फिर अगर आपने जो है ईमेल आईडी को किसी और फ़ोन में यहाँ पे लॉग आउट किया है, मतलब लॉग इन किया किसी दूसरे फ़ोन पे, और उस फ़ोन से लॉग इन करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे इस फ़ोन से जो है जिसमें आपने पहले लॉग इन किया था उसमें जो है आपने लॉग आउट कर दिया रहता है, ओके, तब आपको ये प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, अगर ये प्रॉब्लम को अगर आपको हटाना है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो भी ईमेल आईडी आपने अभी अपने फ़ोन पर यहाँ पे लॉग आउट किया है तो उसमें जो है आपका जो ईमेल आईडी को है डिलीट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे ये जो है नोटिफिकेशन हट जाएगा। वैसे तो आप लोग यहाँ पे इसको जो है इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करके भी यहाँ पे आप लोग नोटिफिकेशन को इस तरीके से ऑफ़ करके डन कर सकते हैं, तो इससे जो है यहाँ पे ये जो है दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका भी बता देता हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर की ओर स्लाइड करना है, फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है अकाउंट एंड साइन का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको गूगल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी ईमेल आईडी में आपको ये प्रॉब्लम आ रहा था उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। तो फिर अब आपको नीचे की ओर यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रिमूव अकाउंट का ऑप्शन आता है, तो आप लोग यहाँ पे सिंपली से इसको जो है रिमूव पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज़, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।